मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्रेस इन अ ब्लॉग। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं आलू और सोयाबीन की सब्जी। ऑन डिमांड मेरे भाई की डिमांड है कि आलू सोयाबीन की सब्जी बना दो, क्योंकि हम जब भी आते हैं ना गाइस तो उन लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। और अभी आकृति चाय वगैरह बना के, देख सकते हैं हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली, तो चाय वगैरह बना के आकृति ने दिया हम लोग को, और हम लोग चाय वगैरह पी करके अब आ गए हैं किचन में। तो हम करने लगे हैं नाश्ते की तैयारी और वो चली गई पूजा करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने सोयाबीन को उबाल कर रख लिया है, और इधर है हमारा छोटा वाला आलू। मम्मी ने इधर छोटा आलू ले आई है, हम इसको फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। देखिए सो गाइस देख सकते हो आप लोग मेरे सब्जी का कलर। मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई है क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखी है, तो आप लोग देखिए। सो गाइस ये जो आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हो ना, ये है 8 तारीख की, क्योंकि इसी दिन मेरा भाई आया हुआ था कोलकाता से। तो आकू पहले आई थी और सौरभ बाद में। तो कायदे से तो इस दिन 6 पूजा होनी थी, बट हमारे यहाँ 4 पूजा दो दो दिन हो गई, जिसके कारण आज ना हमारे यहाँ 5 पूजा थी। तो बस हम सब ने मिलकर चाय नाश्ता इंजॉय किया, और इसके बाद हमें करनी थी अपने गाँव जाने की पैकिंग। तो मेरी तो हो चुकी थी, यहाँ पर आकू अपनी पैकिंग कर रही थी। तो देखिए इसकी चूड़ियों का कलेक्शन कितना प्यारा लग रहा है। तो साड़ी की मैचिंग इसने चूड़ी लाई थी, और मेरे लिए भी शंखा और पोला और चूड़ियाँ लेकर आई थी। तो ये जो आप चूड़ी देख रहे हो ये मम्मी के लिए लाई थी, जो कि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मेरे आवाज़ को ना थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फंस गई है। और ये वाली चूड़ी मेरे लिए लाई थी। और यहाँ पर ना सौरभ जा रहा था अपनी ससुराल, मतलब मौसी जी इनकी रहती हैं आकू की, तो उन्हीं से मिलने के लिए। मतलब हंसते खेलते कब दिन पता कट जा रहा है ना, पता भी नहीं चल रहा है। जब हम बचपन का दिन याद कर रहे हैं ना, तो लगता था कितना लड़ते थे, और अभी कैसे टाइम कट जाता है पता भी नहीं चलता है। तो बस इसी तरह हंसते खेलते रात का समय बीत गया। हम लोग सब ने मोमोज इंजॉय किया, और ये जो अगली क्लिप्स आप देख रहे हो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय से, जिसकी बिना हमारी मॉर्निंग अधूरी है। और यहाँ पर आकू ब्रेकफास्ट बना रही थी, साबूदाना के पकौड़े, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और कदीमा का सब्जी मैं बना रही थी। और आज हमारे यहाँ 6 पूजा, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं घर। तो अभी हम साड़ी जो दिए थे ना कॉलोनी में ही, तो साड़ी हमारा फुल पिको हो चुका है, और ब्लाउज भी सिल गया है। तो अभी हम जा रहे हैं, जल्दी से पैक कर लेंगे, मतलब पैक ही है, बैग में रख करके अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो चलिए। सो गाइज यहाँ पर हम लोग जाने वाले थे आज अपने गांव, और देखिए मम्मी आकृति सौरभ सब लोग रेडी हो चुके हैं। और सामान इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई थी ना, इसी वजह से डिस्कशन चल रहा था कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में, लेकिन आखिरी बार में ये डिसाइड हुआ कि सब लोग साथ ही चलेंगे, और सामान ना सेकेंड ट्रिप में भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं और सब लोग मतलब रेडी हो चुके हैं, और सब लोग निकल चुके हैं अपने पैतृक गाँव खैरा की ओर। सो गाइस भयंकर सामान से जूझते हुए हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं खैरा की ओर। इस साइड हाय बस आई हूं, कुछ ना जगह आयो, कहां जा रहा है बता दो। मैं घूमने जा रहा हूं। वाह बहुत अच्छा। वही हरियाली, वही शांति, वही मतलब मनोरम दृश्य, देखते देखते कब हमारा गांव आ गया पता भी नहीं चला। और ये है मेरा न्यू घर जो कि अभी बना हुआ है हाल फिलहाल, और कुछ भी नहीं बदला है, लिटरली कुछ भी नहीं बदला है गाइस। मतलब अभी भी वही रोड है, वही सड़कें हैं, वही बच्चों का हम लोगों को मुड़ मुड़ के देखना, सबका दौड़ दौड़ के आ जाना। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये हमारे गांव का मंदिर, जिसको कि मैं देखते ही बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि मैं पूरे के पूरे 10 साल बाद दुर्गा पूजा पर अपने घर आई हूँ। तो
लाजमी है कि मेरे आंखों से आंसू आएंगे। और ये है मेरी मैया, जिसका दर्शन आप लोग भी कर लो। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इस बार अपनी दुर्गा पूजा में घर आ करके। और ये देखिए, ये है मेरी बड़ी माँ का घर, वहाँ पर हम लोग सब लोग गए बड़ी माँ से मिले। और चलिए आपको अपना भी घर दिखाएंगे, ये मेरे बड़े पापा और काकू। तो ये है मेरा पुराना घर जो आप साइड में देख रहे हो, और ये है हमारा नया घर जो कि इधर मम्मी बनाई है हाल फिलहाल ही। तो देख सकते हैं एंट्रेंस और इस तरह से कुछ बाहर का लुक है, तो बहुत अच्छा लग रहा था अपना घर आ करके। सो गाइस, अब यहाँ पर हम लोग के पास जाने वाला है, क्या जाने वाला है रे? हम लोग थाल से जाने जा रहे हैं और भाग्य। तो गाइस ये हमारा घर जो कि है ये पूजा रूम देख सकते हैं, और ये वाला है किचन। तो बड़ी मम्मी लोग का यहीं पर है किचन, इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं। और देख सकते हैं इधर है वॉशरूम, और ये एक रूम बनाया गया है ऐसे ही देखिए। और इधर से है ऊपर जाने का रास्ता, और यहाँ है आयु जो कि बदमाशी कर रहा है। और यह छोटा सा किचन, और इसके ऊपर आपको चलिए दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं कि ऊपर हमारा कैसा है। तो बहुत छोटा रास्ता है, तो देख सकते हैं ये है हमारा ऊपर। तो ऊपर पहुँचते ही एक बैठक टाइप का है जहाँ पर अभी चल रहा है सड़ियाने का काम अभी तो लग। तो देखिए सीन है, और इधर से पूरे बालकनी का व्यू है। वो जो ऑरेंज वाला घर दिख रहा है ना, वो मेरे बड़े पापा का है। और हमारा पुराना घर ये था, ये जो आप छप्पर वाला देख रहे हैं, और ये वाला, ये जो छप्पर है। तो और देखिए ये बैठक के बाद पहला रूम आता है, तभी यहाँ पे आकू पूरा बेड वेड बिछा दी है देखिए, झाड़ू वगैरह लगा के। और इधर है हमारी आकू जी तो अभी इधर इस रूम को सेट की है, और ये वाले रूम में यहाँ पर इंडक्शन वगैरह लगाए हैं। तो दो रूम है, और यहाँ मम्मी कर रही है सेटिंग। सो गाइस, घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन आप लोग देख सकते हो रहने के लिए हिसाब से बन ही गया है। और इसके बाद हम लोग सब लोग हाथ पैर धो करके आ चुके हैं बड़ी माँ के पास, क्योंकि हम लोगों को जाना था दुर्गा माँ का जो शादी है ना, आज छह पूजा है, दुर्गा माँ की शादी है, इसके वजह से हम लोग आज नवेद की थाल सजाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं अपनी बड़ी भाभी के पास, और बड़ी भाभी ही यहाँ पर नवेद का थाली सजा रही थी। सो हम लोग उन्हीं के यहाँ अपना भी फल फ्रूट जो भी था लेकर के चले गए, जो भी प्रसाद हमें चढ़ाना था। और ऑलरेडी यहाँ पर तैयारी चल रही है, आप लोग देख सकते हो, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल पर। और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और यहाँ पर थोड़ा नेट वगैरह का भी इश्यू है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद जल्दी ही, तो बने रहिएगा चैनल पे। टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।